Hello, future doctors. Welcome to Dipainism. I'm Dr. Dipain Shah, and आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ पेरी प्लानेटा अमेरिकाना. येस, दैट इज द कॉकरोच. सो फार वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, एंड आज स्पेसिफिकली हम लोग उसके एक्सटर्नल फीचर्स का डिस्कशन करेंगे. नाउ कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता रहेंगे, बट स्टिल वी वुड वॉन्ट टू रिवाइज इट कि हम लोग वो एक बेस बिल्डअप करते जाए. कॉकरोच जो है, इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, दैट मीन्स हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस. इसका क्लास जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी इंसेक्टा, तो इंसेक्ट कैटेगरी में आ जाएंगे. इनका ऑर्डर जो है वो आप स्पेसिफिकली याद रखे, दैट इज डिक्टियोप्टेरा या ऑर्थोप्टेरा. जीनस पेरीप्लानेटा एंड स्पीशीज अमेरिकाना. नाउ कॉकरोच के बारे में हम लोग को और एक कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, सिंस ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में है, दैट मीन्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, दैट हैज थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. ऑल्सो दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, एंड इनको हम लोग बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट. In fact, arthropods are the largest phylum of the animal kingdom. And insect category jo hai, it is more than 70% population of the entire animal kingdom. Matlab, out of every 10 animals, 7 will be insects. तो ये हम लोग ecosystem में भी discuss करते, तो और एक key point आपके सामने मैंने ये वापस correlate कर लिया. Also, कॉकरोच जो है इसका लेंथ जो होगा, दैट इज अराउंड 34 to 53 millimeter, मतलब 3 to 5 centimeter या 6 centimeter तक डायमेंशन आप मेंशन कर सकते हैं. विड्थ जो होगा, दैट इज अराउंड 1.5 centimeter, एंड दे आर यूजुअली ब्राउनिश इन कलर. ओके, नाउ मेजर डिस्कशन जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी मेकिंग द डायग्राम, एंड डायग्राम के साथ पॉइंट्स आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा. यू ऑल्सो साइमल्टेनियसली मेक द डायग्राम एंड मेक अ ह्यूज डायग्राम, सो दैट बहुत सारे आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डायग्राम में इंट्रोड्यूस कर सके. सो स्टार्टिंग विद द डायग्राम, के जो बॉडी ऑफ कॉकरोच है, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स. तो ये एक फर्स्ट रीजन हो गया, ये एक छोटा सा पार्ट हो गया, दिस इज द सेकेंड रीजन, एंड दिस इज द थर्ड रीजन. ठीक है, तो ये आपको अभी कॉकरोच जैसा भी लग सकता है, ये आपको एंट जैसा भी लग सकता है, ये बटरफ्लाई जैसा भी लग सकता है, जैसा भी है, ये डिपेनिज्म का कॉकरोच है, और आप फिलहाल इसी को फॉलो करोगे टू मेमोराइज ऑल द फीचर्स ऑफ द कॉकरोच. नाउ और इंसेक्ट सब जनरल सिमिलर टाइप के ही लगेंगे, तो दैट इज हाउ मैंने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया है. तो दिस इज डिपेनिजम्स कॉकरोच. नाउ तीन रीजन जो हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द फर्स्ट रीजन, this is the second region, and this is the third region. Okay, so first region jo, that is the head region, the second region is known as the thorax, and the third and final region is the abdomen. And head and thorax are connected by this neck, which is the movable neck, और ऑल्सो नोन एज सर्विक्स या सर्विकम. सो देर इज अ मूवेबल नेक, जिससे हेड एंड थोरैक्स जो है, दे आर अटैच एट विच एंगल्स, देन दे आर अटैच एट राइट एंगल्स. तो ये आपको एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हेड एंड थोरैक्स, दे आर अटैच एट राइट एंगल्स टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द मूवेबल नेक. आउट ऑफ द थ्री मेजर पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इफ यू ऑब्जर्व, और एक आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट, देन एब्डोमेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ देयर एंटायर बॉडी. ओके, नाउ हेड में कुछ फीचर्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, तो मैं डायग्राम में इंट्रोड्यूस करते जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एन्यूमरेट करता जाऊंगा. एंड हेड में जो फर्स्ट एक मेजर कंपोनेंट जो है वो है ये. यस, दिस इज द फर्स्ट मेजर कंपोनेंट. सो इसको हम लोग बोल लेते हैं एज आईज. वाह, क्या नजर है. और इस नजर की खास बात ये है कि इसमें ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लेंस होते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ छोटे छोटे जो लेंस रहेंगे, अराउंड मोर देन 2000 लेंस आर प्रेजेंट इन द आई ऑफ कॉकरोच. सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द हेड, जिसको हम लोग बोल लेते हैं एज द कंपाउंड आईज. नाउ हमारी जो आईज होते हैं, दिस आर द सिंपल आईज, बट दीज आर नोन एज कंपाउंड आईज, क्योंकि उसमें छोटे छोटे लेंस होते हैं. मैं इंडिविजुअल पार्ट्स को बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले हम लोग एन्यूमरेट कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है. फिर हेड रीजन में जो दूसरा पार्ट होता है, दैट इज दिस स्ट्रक्चर्स विच आर अराइजिंग, दीज स्ट्रक्चर्स. तो ये उसका एक हेयर स्टाइल जैसा मैं बना लेता हूँ, है ना, तो यहाँ पे भी रहेगा. तो दिस इज अ पेड स्ट्रक्चर. वाह 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 वाह, क्या हेयर स्टाइल है. सो दिस स्ट्रक्चर is known as the antennae. तो second structure जो है, that is antennae, वो तेरे नाम जैसा hairstyle लग रहा है. उसके अलावा there is a spot, है ना,
बिलो दी एंटीने, नजर ना लगे इसको, लेकिन ये जो स्पॉट है इसको हम लोग बोलते हैं एज फेनेस्ट्रे, फेनेस्ट्रे, फेनेस्ट्रा या ऑसिलर स्पॉट्स, ऑसिलर स्पॉट्स। तो ये थर्ड कंपोनेंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड फोर्थ जो होगा वो यहां पे ऐसा एक पार्ट आएगा जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये उसका मैंने मुच्छी नहीं बनाया है, दिस इज एक्चुअली द माउथ पार्ट्स जो हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। दिस आर गोइंग टू बी द माउथ पार्ट्स। सो हेड में हम लोग को चार मेजर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है, दैट इज द कंपाउंड आईज, एंटीने, फेनेस्ट्रा या ऑसिलर स्पॉट्स एंड द माउथ पार्ट जो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक के बारे में बता दिया, दैट्स अ मूवेबल नेक। सो नाउ कमिंग टू द थोरैक्स पार्ट, इनका थोरैक्स जो है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजियंस, दैट इज द प्रो, मीजो एंड मेटाथोरैक्स। सो प्रो थोरैक्स, मीजो थोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, दिस आर द थ्री रीजियंस ऑफ द थोरैक्स। एंड थोरैक्स में हम लोग दो स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, एक तो है टू पेयर्स ऑफ विंग्स, टू पेयर्स ऑफ विंग्स, एंड दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस। और ध्यान से देखिए कि मैं ये विंग्स कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होगा उसमें से मैं सिंगल सिंगल विंग्स दिखा रहा हूँ, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स है उसमें सिंगल विंग जो यहाँ से पूरा ऐसा अराइज कर रहा है। सो दिस विंग इज अराइजिंग फ्रॉम द मीजोथोरैक्स, इट इज नॉट अराइजिंग फ्रॉम द प्रोथोरैक्स। और दूसरा जो विंग होगा, द सेकेंड पेयर ऑफ विंग, जिसमें से मैं ये सिंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी अराइजिंग फ्रॉम द मेटाथोरैक्स। तो जो टू पेयर्स ऑफ विंग्स है दे आर गोइंग टू बी अराइजिंग फ्रॉम द मीजोथोरैसिक रीजन एंड द मेटाथोरैसिक रीजन, इट इज नॉट अराइजिंग फ्रॉम द प्रोथोरैसिक रीजन। सो देर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स, मैंने एक सिंगल सिंगल ही विंग को रिप्रेजेंट किया है। थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, और जो जॉइंटेड लेग्स है वो प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक लेग्स बोले जाएंगे, मतलब तीनों सेगमेंट में से ही अराइज हो रहे। तो ऐसे कुछ लेग्स का प्रेजेंस होगा जो हम लोग अलग से डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि कैसा इनका अपियरेंस दिखने वाला है। ओके अभी फिलहाल शॉर्ट में ऐसा रिप्रेजेंट कर देते और फिर डिटेल में हम लोग हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करते जाएंगे। एंड कमिंग टू द एब्डोमेन, एब्डोमेन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एब्डोमेन में कुछ सेगमेंट्स होते हैं और एब्डोमेन में देयर आर प्रेजेंस ऑफ ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। एंड टेंथ वाला जो होता है इट गेट्स फ्यूज्ड विद द इलेवेंथ सेगमेंट, इसीलिए टेंथ सेगमेंट से विजिबल होते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ सेगमेंट विच हैज बीन फ्यूज्ड विद द इलेवेंथ सेगमेंट। तो ये एब्डोमेन में जो सेगमेंट्स का प्रेजेंस है। नाउ एक इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए पॉइंट के जो हेड है उसमें भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं बट दे हैव जॉइंटेड टू फॉर्म अ कैप्सूल। थोरैक्स में तीन सेगमेंट्स दिख रहे हैं, एब्डोमेन में भी कुछ सेगमेंट्स दिख रहे हैं। नाउ ये जो सेगमेंट्स है ये उनके प्लेट्स होते हैं। तो जो डॉर्सल रीजन पे प्लेट होता है, द डॉर्सल प्लेट इज नोन एज टर्गम, टर्गम या टर्गाइट, टर्गम या फिर टर्गाइट बोला जाता है। जो वेंट्रल प्लेट होगा लोअर बॉडी सरफेस पे, दैट इज नोन एज द स्टर्नम। जैसे हमारा भी स्टर्नम नाम का एक बोन होता है, इनमें ये प्लेट है, ऑल्सो नोन एज स्टर्नाइट। एंड टू प्लेट्स आर गोइंग टू बी लैटरल प्लेट्स, और लैटरल प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरॉन्स, और वी कॉल इट एज प्ल्यूराइट, प्ल्यूराइट, ठीक है, प्ल्यूराइट। सो बेसिकली देर आर फोर प्लेट्स विच आर प्रेजेंट इन देयर एंटायर बॉडी, डॉर्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट एंड टू लैटरल प्लेट्स। और ये सभी के सभी प्लेट जो है, दीज आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी मेड अप ऑफ काइटिन। सो दीज आर काइटिनस प्लेट्स, क्योंकि जो एक्सोस्केलेटन है उनका काइटिन से बनता है एंड काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड। नाउ दिस काइटिनस प्लेट जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स पे रहेंगे, जैसे प्रोथोरैसिक सेगमेंट पे हो, मेसोथोरैसिक पे हो, तो इंडिविजुअल सेगमेंट पे वो प्लेट्स को हम लोग इन जनरल स्क्लेराइड्स बोल लेते हैं, स्क्लेराइट्स, ठीक है, तो ओवरऑल उसको स्क्लेराइट्स बोलते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि यहाँ पे हेड रीजन में जब भी कॉकरोच का एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तभी देर आर प्रेजेंस ऑफ सिक्स स्क्लेराइट्स। तो ऐसे सिक्स स्क्लेराइट्स होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब काइटिनस प्लेट्स हो जाएंगे विच हैव फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल एंटायर हेड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड कैप्सूल। तो एडल्ट में सिर्फ सिंगल हेड कैप्सूल का प्रेजेंस होगा, थोरैक्स में
तीन यहाँ पे प्लेट्स का प्रेजेंस है एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी एंड एडल्ट स्टेज में भी. वेर इज एब्डोमन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते 11 सेगमेंट्स, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि 11 गेट्स फ्यूज विद द 10th सेगमेंट, इसके लिए 10 ही विजिबल होंगे एडल्ट्स में. सो अगर आपको पूछा जाए कि एम्ब्रियो में कितने प्लेट्स या स्क्लेराइट्स का प्रेजेंस होगा, तो एम्ब्रियो में 6 इन द हेड रीजन प्लस 3 इन दी थोरैक्स एंड 11 इन दी एब्डोमन, मतलब 11 प्लस 3 14 प्लस 6 20, मतलब 20 प्लेट्स का प्रेजेंस होगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि एडल्ट कॉकरोच में कितना होगा, तो एडल्ट में आपको याद रखना है हेड में भी सिंगल प्लेट ही है, थोरैक्स में उतने के उतने 3 प्लेट्स हैं एंड एब्डोमन में देयर आर 10 प्लेट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स और स्क्लेराइट्स इन दी एडल्ट आर 14. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के लिए पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, कितने स्क्लेराइट्स हो सकते हैं इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन द एडल्ट स्टेज ऑफ द कॉकरोच. नाउ हम लोग इंडिविजुअल पार्ट्स को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो होपफुली आप लोगों ने डायग्राम बना लिया रहेगा. सो ये मैं इरेज कर दूंगा एंड विल फोकस फर्स्ट ऑन द हेड पार्ट नाउ. यस, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट दी हेड पार्ट, है ना. डायग्राम देख के डरना मत, कोई एलियन नहीं है, ये कॉकरोच का हेड रीजन है जो काफ़ी थोड़ा डिटेल मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. व्हाट यू डू इज़ यू पॉज द वीडियो या आप डायग्राम बना ले और फिर धीरे धीरे जो लेबलिंग मैं करते जा रहा हूँ वो पार्ट्स को समझते जाए. ओके, सो फर्स्ट हम लोग बेसिक पॉइंट्स कवर कर लेते, फिर कुछ एम्स रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो पॉइंट्स है कि हम लोग को हेड में डिस्कस क्या क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस करना है दैट इज दी कंपाउंड आईज. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो डिस्कस करना है दैट इज दी कंपाउंड आईज. सो दिस आर दी कंपाउंड आईज. और ये कंपाउंड आईज बहुत सारे इंसेक्ट्स में ऐसा ही आपको पैटर्न देखने मिलेगा, वो हाउस फ्लाई हो या बटरफ्लाई हो, हनी बी हो या फिर इवन कॉकरोच हो. तो इनको हम लोग कंपाउंड आईज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेंस होते हैं और उसका जो सिंगल लेंस है, द सिंगल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज ओमैटिडियम. द सिंगल यूनिट इज नोन एज ओमैटिडियम. तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, ओमैटिडियम दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कंपाउंड आईज ऑफ द कॉकरोच. और ऐसे अराउंड 2000 ओमैटिडिया, प्लूरल इज ओमैटिडिया का प्रेजेंस उनके आईज में रहेगा. और ये हर एक सिंगल लेंस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा एक इमेज बनेगा जो ब्रेन बाद में जाके इंटरप्रेट करेगा उस ऑब्जेक्ट का जो इमेजेस रिसीव कर रहा है. सो द इमेज दैट इज फॉर्म्ड इट इज नोन एज अ ब्लर मोजाइक इमेज. तो याद रखना कॉकरोच में जो इमेज बनता है दैट इज अ ब्लर मोजाइक इमेज, या फिर आपको एंट्रेंस में और एक वर्ड दिया जा सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोजिशनल इमेज. तो ये एपोजिशन ऑफ इमेज टेक प्लेस. एक होता है सुपर पोजिशन जो कुछ दूसरे टाइप के इंसेक्ट्स में देखने मिलता है, बट कॉकरोच में इट इज एपोजिशनल या ब्लर मोजाइक इमेज दैट इज ऑब्जर्व. तो ये फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पे कंपाउंड आइज का डिस्कशन खत्म किया. दूसरा जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड आइज के अलावा दैट इज ये उसका जो ऐसा हेयर स्टाइल जैसा बना है जिसको हम लोग बोलते हैं एज दी एंटीने. एंटीने, तो ये एंटीने जो है ये अराइज हो रहे फ्रॉम द सॉकेट्स. तो दे अराइज फ्रॉम एंटीनल सॉकेट्स एंड ये एंटीनल सॉकेट से जो एंटीने अराइज हो रहे हैं दे आर लॉन्ग सिलेंडर एंड फिलामेंटस. दे आर लॉन्ग सिलेंडर एंड फिलामेंटस एंटीने. तो यहां से अराइज हो रहे. और अगर आई का आप शेप भी देखो तो आई का शेप अगर पूछे तो इट इज किडनी शेप. तो मैंने किडनी शेप ये कंपाउंड आईज को रिप्रेजेंट किया है, किडनी शेप. और ये एंटीने जो उसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स है. नाउ ये एंटीने जो होते हैं इनका मेजर फंक्शन जो होगा दैट इज इट एक्ट्स एज अ टेक्टाइल रिसेप्टर. टेक्टाइल मतलब टच सेंसेशन को ये डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा. ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ ऑल्फैक्ट्री स्ट्रक्चर. तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन. ऑल्फैक्शन मतलब सेंस ऑफ स्मेल. तो नियर बाई जो फूड रहेगा विसिनिटी में उस फूड को ये स्मेल कर लेगा एंड ये उनको एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है एंटीने. तो एक कंपाउंड आइज है जो विजन के लिए हेल्प कर रहे हैं एंटीने. इट इज एक्टिंग एज अ टेक्टाइल रिसेप्टर एंड द ऑल्फैक्ट्री स्ट्रक्चर जो सेंस ऑफ स्मेल में भी उनको हेल्प कर रहा है. फिर अबार्ट फ्रॉम एंटीने द थर्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज द ऑसिलर स्पॉट्स, जिसका मैंने और एक नाम दिया था फेनेस्ट्रे. ये ऑसिलर स्पॉट्स वाइट ऑसिलर स्पॉट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट बिलो द एंटीने. ये मेनली एक्ट करते हैं एज अ फोटो रिसेप्टर, मतलब लाइट को ये डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा. इट इज गोइंग टू रिसीव द लाइट. बट यूजुअली इसको माना जाता है एज वेस्टिजियल इन कॉकरोच. तो वेस्टिजियल इन कॉकरोच होते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफिक फंक्शन पूछे कि ऑसिलर स्पॉट्स का फंक्शन का क्या होगा तो इट इज एक्टिंग एज अ फोटो रिसेप्टर. नाउ तो उसका उतना ही डिस्कशन. चौथा मेजर डिस्कशन जो करना है दैट इज अबाउट द माउथ पार्ट्स.
तो हम लोग को माउथ पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करना है. नाउ माउथ पार्ट जो है उसमें पांच स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है. ओके, जिसमें एक जो आता है, एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं एज लैब्रम, इट इज नोन एज लैब्रम. ओके, लैब्रम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज द अपर लिप ऑफ कॉकरोच, दैट इज द अपर लिप. तो ये लैब्रम को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं. ये वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज द लैब्रम, दिस इज द लैब्रम. ठीक है, तो ये लैब्रम जो इतना है इसको हम लोग बोलते हैं शील्ड लाइक स्ट्रक्चर. एंड दिस शील्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द इनर साइड इट हैज सर्टन सेंसरी स्ट्रक्चर. सो दैट इज अबाउट द लैब्रम विच इज शील्ड लाइक, कवर्स द माउथ फ्रॉम डॉर्सल सर्फेस, डॉर्सली प्रेजेंट. एंड ये हेल्प करता है टू होल्ड द फूड, टू होल्ड फूड इज इट्स मेजर फंक्शन. तो अपर लिप के अलावा, लैब्रम के अलावा दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज दिस पार्ट. तो ये जो स्ट्रक्चर्स है विद दिस एक्सटेंशन, दिस इज नोन एज द लेबियम. सो दिस स्ट्रक्चर इज द लेबियम. ओके, ये एक्सटेंशन को लेबियम नहीं बोलते, इतने पार्ट को हम लोग लेबियम बोलते हैं और उसके बाद में एक्सटेंशन है. जैसे मैंने बताया अभी लॉकडाउन है तो मेरे पास ऑल कलर ऑप्शन नहीं है, तो मैं पूरा डायग्राम ब्लू से ही बनाऊंगा. और ये लेबियम के जो एक्सटेंशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेबियल पल्प्स. तो लेबियम विद द लेबियल पल्प्स, लेबियम को हम लोग बोल लेते हैं एज द लोअर लिप ऑफ कॉकरोच. अगर ये लोअर लिप है तो ऑब्वियसली ये वेंट्रली प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस. एंड जो लोअर लिप जो है हैविंग द लेबियल पल्प्स, ये एक्ट करता है एज अ प्लेटफॉर्म, इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू होल्ड द फूड. तो इसने लेब्रम ने भी हेल्प किया, लेबियम भी एक प्लेटफॉर्म की तरह हेल्प करते हैं जहां से फूड को रिसीव करके बाद में इट विल बी पुश्ड. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द मैक्सिले, मैक्सिले या फिर उसको हम लोग फर्स्ट मैक्सिले भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज द फर्स्ट मैक्सिले. सर अगर इसको फर्स्ट बोले मतलब ऐसा भी कुछ है जिसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं? यस, आप सही समझ रहे. लेबियम को हम लोग बोल लेते हैं एज द सेकेंड मैक्सिले. सो रिमेंबर लेबियम इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड मैक्सिले. नो मैक्सिले जो है ये मैक्सिले से ये एक्सटेंशन जो निकलते इसको हम लोग बोल लेते हैं एज द मैक्सिलरी पल्प्स. एक्सटेंशन आर मैक्सिलरी पल्प्स. जैसे लेबियम से लेबियल पल्प्स थे, लेबियम से लेबियल पल्प्स, जैसे मैक्सिले से मैक्सिलरी पल्प्स अराइज होंगे. एंड इसका काम होता है इट पुशेस फूड इनटू प्री ओरल कैविटी. तो इसकी मदद से जो फूड होगा वो पुश कर दिया जाएगा इनटू द प्री ओरल कैविटी और उससे फिर माउथ रीजन वगैरह में फूड पास होते जाएगा. मैक्सिले के अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट, दिस स्ट्रक्चर इज द मैंडिबल, इट इज नोन एज द मैंडिबल. और मैंडिबल जो है वो सिंगल और एक यहाँ पे सिंगल, मतलब देर आर टू लैटरली प्लेस्ड मैंडिबल. मैक्सिले भी दो थे तो मैंडिबल जो है दे आर लैटरली प्लेस्ड, लैटरली प्लेस्ड. एंड उनके इनर एजेस पे, इनर एजेस हैज प्रेजेंस ऑफ टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स, टीथ लाइक स्ट्रक्चर विच आर नथिंग बट सेरेटेड मार्जिन्स या एजेस. एंड जिसकी वजह से दे हेल्प डू टू कट द फूड. तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे फूड को क्रश करते जो उसके इनर एजेस रहेंगे. सो हॉरिजॉन्टली दे मूव एंड उस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से इट हेल्प्स टू क्रश द फूड. इसीलिए मैंडिबल को हम लोग बोल देते हैं एज द ट्रू जॉ, मैंडिबल को हम लोग बोलते हैं एज अ ट्रू जॉ. इसका मतलब मैक्सिले को बोला जाएगा एज द फॉल्स जॉ, इसको हम लोग फॉल्स जॉ बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एज दी एसेसरी जॉ. और लास्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया उसको हम लोग बोल लेते हैं जो प्रीओरल कैविटी के बीच में रहेगा, दैट इज नोन एज दी हाइपोफैरिंक्स. हाइपोफैरिंक्स इज नथिंग बट द टंग, इट इज कंसिडर्ड एज द टंग ऑफ कॉकरोच. एंड इसको टंग इसके लिए माना जाता है क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट होते हैं एट द बेस ऑफ हाइपोफैरिंक्स ही ओपन होते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स का डिस्कशन मैंने डाइजेस्ट सिस्टम में किया है. तो सो फार हम लोग ने डिस्कस किया है अबाउट द कंपाउंड आइज हैविंग द सिंगल यूनिट ओमैटिडियम, हैविंग 2000 ओमैटिडिया, एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है. एपोजिशनल इमेज या मोजाइक इमेज बनता है. एंटीने एंटीनल सॉकेट से अराइज होंगे, लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंटस है जिनका काम होगा टेक्टाइल रिसेप्टर या फिर ऑल्फैक्शन. ऑसिलर स्पॉट्स दे कैन एक्ट एज photoreceptors but they are mainly vestigial. Mouth parts mein hai labrum, labium, maxillae, mandible and hypopharynx. Labrum upper lip, labium lower lip, maxillae is the accessory jaw, mandible is the true jaw and hypopharynx is acting as the tongue. And uske structure aur functions ko maine alag se represent kiya and discuss kiya.
ना इसके अलावा जो एडिशनल लेबलिंग्स आपको पता होने चाहिए जो एम्स के लिए आपको काम में आ सकता है, कि जो उसका ये जो टॉप रीजन ऑफ हेड है, इस टॉप रीजन को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। द टॉप ऑफ द हेड इज ऑन एज वर्टेक्स, जिसमें ये दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिपट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिपट। तो दिस आर द टू ऑसिपट्स, या उसको एपिक्रेनियल प्लेट्स भी बुलाया जाता है, बट द टॉप ऑफ द हेड कंप्लीटली इज़ ऑन एज वर्टेक्स हैविंग द ऑसिपट। ओके, और ये उसके ऐसे सूचर लाइक स्ट्रक्चर्स है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आता है ये बिग प्लेट, दिस इज अगेन अ काइटिनियस प्लेट विच इज नोन एज द फ्रॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉन्स। इस बड़े काइटिनियस प्लेट के नीचे जो प्लेट होगा दैट इज नोन एज क्लाइपियस, क्लाइपियस। और लैटरली ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं एज जेना, या फिर इसको चीक ऑफ कॉकरोच बोला गया है। इट इज एक्टिंग एज चीक, जैसे हमारे यहाँ पे चीक बोन है जाइगोमेटिक बोन, वैसे यहाँ पे जेना है। फिर बाद में आ जाता है यहाँ पे मैंडिबल, फिर यहाँ पे आगे जो है दैट इज मैक्सिला विद द मैक्सिलरी पल्प्स, लैबरम लेबियम विद द लेबियल पल्प्स, और बीच में देयर विल बी अंदर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द हाइपोफैरिंक्स। तो ये पूरा हेड रीजन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन अबाउट द थोरैक्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस टू पेयर्स ऑफ विंग्स इन द थोरैक्स, जो मैंने पहले ही मेंशन किया था। सो टू पेयर्स ऑफ विंग्स में द वन पेयर इज नोन एज द फोर विंग्स एंड द सेकेंड पेयर इज गोइंग टू बी नोन एज द हाइंड विंग्स। तो ये मैं डिस्टिंग्विशिंग पैटर्न में ही दे रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली मेमोराइज इट। फोर विंग्स जो रहेगा दे अराइज फ्रॉम द मीजोथोरैक्स, तो इसको मीजोथोरैसिक विंग भी बोल सकते हैं। एंड हाइंड विंग्स जो है दे अराइज फ्रॉम द मेटाथोरैक्स, मतलब प्रोथोरैक्स से द विंग्स आर नॉट अराइजिंग। और ये फोर विंग्स जो है इनका और एक नाम भी दिया गया एज एलेट्रा और टिग्मिना, ये एडिशनल नेम दिया गया है हाइंड विंग्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ये जो फोर विंग्स होते हैं, ये फोर विंग्स दे आर यूजुअली लॉन्ग, दे आर नैरो, दे आर डार्क एंड दे आर लेदरी, दैट इज द फीचर अबाउट द फोर विंग्स। वेर इज जो हाइंड विंग्स जो है दे आर कंपेरेटिवली शॉर्ट, ब्रॉड, थिन एंड ट्रांसपेरेंट। तो कैसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आ रहे हैं ये आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग यहाँ पे, शॉर्ट, नैरो, तो ब्रॉड, डार्क, थिन, लेदरी एंड ट्रांसपेरेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको नीट के लिए याद रखना है कि जो फोर विंग्स हैं, सिंस ये डार्क है, लेदरी है, इनका मेजर फंक्शन होगा प्रोटेक्शन, जबकि ये लाइटर विंग्स जो है, थिन है, दे आर गोइंग टू हेल्प देम इन फ्लाइंग। सो रिमेंबर दैट हाइंड विंग्स आर द वंस विच आर कंसिडर्ड एज द ट्रू विंग्स। So these are the true wings, and metathoracic and mesothoracic wings are the false wings because they are not helping in flying as such. Also, जब भी wings को हम लोग discuss करते तो wings के अंदर ऐसे बहुत सारे tubules का presence होता है। There are many tubules which are present. In tubules को we call it as nervures. और वी कॉल देम एज वेन्स, नर्वियस या वेन्स, जो इसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड जो होता है, हीमोसिल का फ्लूइड, वो इसमें पास ऑन होता है, इवन ट्रकी वगैरह का भी प्रेजेंस होगा सो दैट एयर का एक्सचेंज हो। और विंग्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस विंग्स, दिस आर मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल। तो थोरैक्स के जो बॉडी से ये मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ का प्रोड्यूस हुआ, और इसमें ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं नर्वियस या वेन्स, जिसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड होगा। नाउ थोरैक्स में एक पार्ट तो हो गया, टू पेयर्स ऑफ विंग्स। दूसरा जो होता है दैट इज द थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे जॉइंट्स का प्रेजेंस होता है। तो ये जो जॉइंटेड लेग्स का प्रेजेंस होता है वो प्रो, मीजो, मेटाथोरैसिक तीनों सेगमेंट ऑफ द थोरैक्स से ही अराइज होंगे। और ईच सेगमेंट व्हेन वी डिस्कस देन दैट सिंगल लेग कंसिस्ट ऑफ फाइव पोडोमियर्स, तो पोडा इज मेड अप ऑफ फाइव पोडोमियर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोडोमियर जो है दैट इज ओनली सी से कॉक्सा, देन नेक्स्ट पोडोमियर इज टी से ट्रोकैंटर, ट्रोकैंटर, थर्ड जो है दैट इज एफ से नोन एज फीमर, नेक्स्ट टी से है टिबिया, एंड नेक्स्ट टी वाले जो ये पांच है इसको हम लोग बोलते हैं टार्सस। सो दिस आर द फाइव पोडोमियर्स इन ईच पोडा, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। बहुत सारे नाम आपको पता भी हमारे बोन से मिलते जुलते, जैसे फीमर इज द थाई बोन, टिबिया इज द लोअर शिन बोन, बट ये जो है ये उनके लेग्स है, जॉइंटेड लेग्स, दिस आर नॉट द बोन्स। नाउ कॉक्सा अगर डायग्राम देखो तो मैंने प्रिसाइजली बड़ा दिखाया है, तो याद रखना कॉक्सा इज द ब्रॉडेस्ट पोडोमियर, इट इज द ब्रॉडेस्ट। ट्रोकेंटर जो है इट इज द स्मॉलेस्ट,
फीमर जो है इट्स अ लॉन्ग पोडोमियर, बट टिबिया जो है इट इज द लॉन्गेस्ट पोडोमियर. तो ये आपको स्पेसिफिक कुछ फीचर्स जो पोडोमियर्स के बारे में मैंने बताया वो आपको याद रखना है. एंड लास्ट टार्सस जो है उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट जो टार्सस है उसमें भी 5 सेगमेंट्स से है जिसको हम लोग बोलते हैं टार्सोमियर्स. सो टार्सस हैज प्रेजेंस ऑफ टार्सोमियर. तो फर्स्ट टार्सोमियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. उसमें भी ये जो फिफ्थ टार्सोमियर है, दैट फिफ्थ टार्सोमियर इज ऑल्सो नोन एज द प्री टार्सस. नाउ ये प्री टार्सस अपियर कैसे करेगा? सपोज दिस इज द प्री टार्सस, तो ये मैंने प्री टार्सस को मैग्नीफाई कर दिया फिफ्थ टार्सोमियर को. तो उस प्री टार्सस में ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द क्लॉज. तो यहां पे ऐसे क्लॉज का प्रेजेंस होगा और बहुत सारी जगह पे तो ब्रिसल्स होते भी है कॉकरोच के लेग्स में. एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरोलियम. इसको हम लोग बोलते हैं एरोलियम. एंड दिस एरोलियम एक्ट्स एज अ एधेसिव पैड. इट एक्ट्स एज अ एधेसिव पैड. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो क्लॉज है वो हेल्प करते हैं टू बैलेंस ऑन द रफ वॉल. एंड जो एरोलियम है इट हेल्प्स देम टू वॉक ऑन द स्मूथ वॉल. ऑल्सो ये जो टार्सोमियर्स है, जो 5 टार्सोमियर है उसके जंक्शन पे भी कुछ एधेसिव पैड्स का प्रेजेंस होता है. तो वो जंक्शन पे अगर मैग्नीफाई करें तो वहां पे एधेसिव पैड्स होते हैं एट द जंक्शन ऑफ द टार्सोमियर्स. उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट्यूलाय. इसको हम लोग बोलते हैं एज द प्लांट्यूलाय. और ये प्लांट्यूलाय एंड यूजुअली एरोलियम, द एधेसिव पैड टुगेदर, दे हेल्प देम टू क्लाइंब ऑन वॉल्स. तो वॉल्स पे चलने के लिए मेनली दे यूज प्लांट्यूलाय. रफ सरफेस का पूछा तो क्लॉज, एंड स्मूथ वॉल पे बोला, स्मूथ सरफेस पे, तो इट इज द एरोलियम. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड थोरैक्स के 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. ऑल्सो थोरैसिक रीजन में आप लोग को याद रखना है थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स. और ये स्पाइरेकल्स उनको ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे. तो ये मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में ये स्पाइरेकल्स का प्रेजेंस होता है. नाउ विल मूव टू द लास्ट पार्ट. So now coming to the final part of the cockroach, that is the abdomen. And abdomen ke bare mein humne mention kiya tha, that is the largest body part out of all the three components, head, thorax and abdomen. And abdomen mein aise bahut sare features hain jo male and female cockroach ko differentiate karne ke liye help karte, which is known as the characteristic feature known as sexual dimorphism. So agar aapko pucha jaye ki sexual dimorphism ke jo features hain wo kaun se part mein dekhe jaate, to all of them are mainly present in the abdominal region only. Now, abdomen में जैसे हम लोगों ने बताया कि there are 10 segments which are visible, तो 10 segments जो रहेंगे, क्योंकि 11th has been fused with the 10 segments, उसमें वही जो हम लोग नाम देंगे कि dorsal होगा, ventral होगा and lateral होगा. dorsal को हम लोग बोल देंगे as the tergites, ventral को हम लोग बोल देंगे as the sternites and lateral को हम लोग बोल देंगे pleurites, या फिर उसको हम लोग tergum, sternum and pleurons भी बोल सकते हैं. yes, तो ये individual plates का ये नाम दिया जाएगा. now एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो डॉर्सल प्लेट्स हैं वो 10 के 10 विजिबल है मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में. बट जो वेंट्रल प्लेट है, द वेंट्रल प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं एज द स्टर्नम, ये स्टर्नम में इन मेल कॉकरोच 9 स्टर्नम इज विजिबल. 9 स्टर्नम इज विजिबल, मतलब 10th इज नॉट प्रेजेंट या नॉट विजिबल, इट मस्ट बी फ्यूज्ड विद द 9th. एंड फीमेल कॉकरोच में ओनली 7 स्टर्नम आर विजिबल, अप टू 7 स्टर्नम, मतलब 7 इज विजिबल. द रीजन फॉर दैट इज उसमें जो 8th एंड 9th है दे हैव बीन फ्यूज्ड विद द 7th स्टर्नम. नाउ जो 7th स्टर्नम जो विजिबल है उसमें से ये 7th स्टर्नम इन फीमेल कॉकरोच, द 7th वन फॉर्म्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द जनाइटल पाउच, और इट इज नोन एज द ब्रूड पाउच. इस जेनाइटल पाउच में देर इज अ जेनाइटल चेंबर, देर इज अ जेनाइटल चेंबर एंड देर इज प्रेजेंस ऑफ अ जेनाइटल पोर. तो इट इज डिवाइडेड द जेनाइटल पाउच इनटू जेनाइटल चेंबर एंड जेनाइटल पोर. तो ये डेफिनेटली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर हो गया. तो फीमेल कॉकरोच में 7 स्टर्ना ही अपियर करेंगे एंड उसमें भी जेनाइटल पाउच का प्रेजेंस होगा. मेल्स में 9 स्टर्ना इनविजिबल, और जो मेल जेनाइटल पाउच है दैट इज प्रेजेंट बियॉन्ड द डॉर्सल एब्डोमिनल सेगमेंट.
डॉर्सल एब्डोमिनल सेगमेंट के बियॉन्ड प्रेजेंट है, और डॉर्सल सेगमेंट जो है दैट इज अ टर्गाइट, तो इट इज प्रेजेंट बियॉन्ड द 10th टर्गम, मतलब इट इज प्रेजेंट बिलो द एनस। तो उनमें ये जो मेल जेनाइटल पाउच होगा, दैट मेल जेनाइटल पाउच इज बिलो द एनस एट द 10th टर्गा, जबकि फीमेल में इट इज एट द लोअर सर्फेस टर्ना पे प्रेजेंट है, एंड दैट इज नोन एज अ जेनाइटल पाउच। ऑल्सो ये मेल कॉकरोच में एक स्पेसिफिक फीचर देखने मिलता है ऑन द 9th सेगमेंट, 9th सेगमेंट पे मेल कॉकरोच में ये फीचर देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज एनल स्टाइल। तो याद रखना, मेल कॉकरोच में स्टाइल मारने के लिए एक एनल स्टाइल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, विच इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन फीमेल्स, फीमेल कॉकरोच में ये नहीं होता। तो ये और एक इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर है जो आपको एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। एनल स्टाइल का फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉप्युलेशन, इट हेल्प्स इन कॉप्युलेशन प्रोसेस। सो ये मेल कॉकरोच में 9th सेगमेंट पे लैटरली प्रेजेंट होता है, लैटरल हम लोग प्लेट्स को बोलते हैं प्लूराइट्स, सो लैटरल प्लूराइट्स पे प्रेजेंस होगा। ऑल्सो फीमेल कॉकरोच जो है, उस फीमेल कॉकरोच का जो 7th स्टर्नम है, इसको बोट शेप बोला जाता है। अगर उसका शेप पूछा तो इट इज बोट शेप्ड, एंड इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेट विच इज प्रेजेंट, क्योंकि वैसे भी उसमें ये डिविजन है जेनाइटल चेंबर एंड जेनाइटल पोर का। एंड 10th सेगमेंट जो होगा एब्डोमन का, इस 10th सेगमेंट में मेल एज वेल एज फीमेल कॉकरोच, मतलब यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं, मेल एंड फीमेल कॉकरोच दोनों में 10th सेगमेंट पे एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, दैट इज नोन एज एनल सर्काय, इट इज नोन एज द एनल सर्काय। दिस एनल सर्कस और एनल सर्काय पेयर स्ट्रक्चर है, दिस आर सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशंस, एयर वाइब्रेशंस एंड ग्राउंड वाइब्रेशंस, तो दे आर हाईली सेंसिटिव। इसी वजह से जो उनके ये पीछे वाले पोस्टीरियर साइड पे एनल सर्काय है, जब भी वो मूवमेंट्स हो तो वो रिसीव कर लेते हैं, दे स्टार्ट टू रन फास्ट, क्योंकि ये कर्सोरियल है, फास्ट रनर्स है, तो ये सर्काय एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करेगा। ऑल्सो लास्ट एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट के 5th एंड 6th सेगमेंट के अराउंड दे हैव प्रेजेंस ऑफ स्टिंक ग्लैंड्स, स्टिंग ग्लैंड्स, और नाम से पता चलता है ये स्टिंकी फाउल ओडर प्रोड्यूस करेगा, एंड इसी वजह से एनिमीज वगैरह रिपेल वगैरह हो सके तो ये हेल्प करेगा। तो एब्डोमन में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बहुत सारे फीचर्स हैं, और मैंने प्रिसाइजली सिंबॉलिक तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो कन्फ्यूजन ना हो। एक तो 10 सेगमेंट्स के प्लेट्स को उन्होंने नाम दे दिया, वेंट्रल प्लेट में कुछ डिफरेंशिएशन था, मेल में 9 एंड फीमेल में सिर्फ 7 स्टर्नम इज विजिबल, 7th में 8th एंड 9th का फ्यूजन है, और यहाँ पे ये बोट शेप्ड है, उसमें जेनाइटल पाउच है। मेल में इट इज बियॉन्ड द 10th टर्गम एंड बिलो द एनस मेल जेनाइटल पाउच देखने मिलेगा। मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल का प्रेजेंस भी है, एंड फीमेल कॉकरोच एंड मेल कॉकरोच दोनों में ही एनल सर्काय है, विच इज सेंसिटिव टू साउंड एयर एंड ग्राउंड वाइब्रेशंस। तो हम लोग ये मेजर पार्ट डिस्कस कर चुके। लास्ट एक पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है कि एब्डोमन में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स, जो उनको ब्रीदिंग के लिए हेल्प करेगा। थोरैक्स में दे 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स, एब्डोमन में 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स है जो ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे। तो मैं भी अपना ब्रेथ कैच कर लूँ। तो बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हेड थोरैक्स एब्डोमन में। प्लीज़ अगर आपको लगे तो पूरा वीडियो वापस से गो थ्रू करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई फर्दर वीडियोज, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म।